एक एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं, लाइक आरजी बकलिस्ट, नोडियो टाइप, हार्ट टोन एंड मैनी मोर, वो भी अपने मोबाइल में। क्या हम इन जैसी वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में बना सकते हैं? तुमने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस टॉपिक पर। एक एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए ये 8 स्टेप्स होते हैं, और इन स्टेप्स में से सेकंड, फिफ्थ और लास्ट के तीनों स्टेप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर तुम यहाँ पर गलती करोगे तो तुम्हारी वीडियो अच्छी तरीके से बन नहीं सकती। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई, अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ भी नया सीखते हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अभी हम हमारे पहले स्टेप पर चलते हैं, जो है टॉपिक। सबसे पहले तुम्हें कोई ऐसा टॉपिक चूज करना होगा जो ट्रेंड में हो। जैसे अभी बिग बॉस ट्रेंड में चल रहा था। अगर तुम देखोगे बिग बॉस पर बहुत सारे एनिमेशन क्रिएटर ने वीडियो बनाई है, जैसे कि हार्ड टोन्स, चलवे, और इनके व्यूज काफी अच्छे आए हैं। मैंने भी बिग बॉस पर वीडियो बनाई थी, और मेरे उस वीडियो पर मेरी दूसरी वीडियो से काफी अच्छे व्यूज आए थे, क्योंकि उस टाइम वो ट्रेंडिंग टॉपिक था। अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर तुम्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा तो तुम कोई रिलेटेबल टॉपिक चूज करो, जैसे कि नोटिव टाइप अपनी वीडियो बनाता है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जो है स्क्रिप्ट। अब तुमने अच्छा टॉपिक भी चूज कर लिया, पर अगर तुम्हारी वीडियो की स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी वीडियो कोई लास्ट तक देखेगा ही नहीं। इसलिए स्क्रिप्ट तो अच्छी होनी ही चाहिए। तुम एक स्क्रिप्ट को लिखने में जितना टाइम दोगे वो और उतनी अच्छी होती जाएगी। जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मुझे एक दिन का टाइम तो लगता ही है लिखने में। तो अभी हम हमारे तीसरे स्टेप पर आते हैं, जो कि है ड्राइंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें ड्राइंग ही नहीं आती तो तुम एनिमेशन कैसे करोगे? एनिमेशन करने के लिए ड्राइंग स्किल होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें एनिमे लेवल की ड्राइंग आनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए, जैसे कैरेक्टर डिजाइन, बॉडी एक्सेट्रा। पर तुम्हें ये आता है, तुम एनिमेशन वीडियो बहुत अच्छे से बना सकते हो। इसके बाद है स्टोरी बोर्डिंग। पर तुम्हें नहीं पता स्टोरी बोर्ड क्या होता है, मैं तुम्हें सिंपल वे में बताता हूँ। स्टोरी बोर्ड उसे कहते हैं जो स्टोरी या फिर सीन हमारे दिमाग में है उसे रफ ड्रॉ करना। स्टोरी बोर्ड बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ना एनिमेशन करने में बहुत आसानी होती है, और तुम्हें ये पता चल जाता है कि जो तुमने दिमाग में इमेजिन किया है वो रियलिटी में दिख कैसा रहा है। तो एनिमेशन करने से पहले उसका स्टोरी बोर्ड जरूर बना लेना। नेक्स्ट स्टेप है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बनाने के लिए तुम्हें ये दो एप्स की जरूरत होगी। फर्स्ट है स्केचबुक ऐप, और सेकंड है IBX X Paint। मैं अपने बैकग्राउंड भी इन्हीं ऐप से बनाता हूँ। बैकग्राउंड बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले स्केचबुक ऐप में जाना है, और वहाँ पर बैकग्राउंड ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड बनाकर तुम्हें जाना है IBX Paint ऐप में। कलरिंग तुम्हें IBX Paint ऐप में करनी है, क्योंकि इसमें कलरिंग करना बहुत इजी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अगर कलर IBX Paint में कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड ड्रॉ भी उसी में कर लूंगा, हाँ ऐसा तुम कर तो सकते हो, पर मैं तुम्हें ये रेकमेंड करूंगा कि तुम ड्रॉ स्केचबुक में ही करो, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड बनता बहुत इजी है और फीचर भी बहुत है जिससे बैकग्राउंड बनाना और भी आसान हो जाता है। तो इसके बाद तुमने ये 5 स्टेप कम्प्लीट कर लिए। फिर इसके बाद आती है बारी वॉइस की। बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि तो हमें पहले एनिमेशन करना चाहिए या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि पहले वॉइस रिकॉर्ड करते हैं या फिर एनिमेशन पहले करते हैं। तो मुझे भी धीरे धीरे पता चला कि एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए हमें पहले वॉइस रिकॉर्ड करनी चाहिए, फिर उसके बाद एनिमेशन करना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास कोई माइक नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपने फोन के माइक से भी रिकॉर्ड कर लेक्सा ऑडियो ऐप में जाकर वॉइस ऐड कर सकते हो। इससे तुम्हारी वॉइस काफी अच्छी हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है एनिमेशन। एनिमेशन बनाने के लिए मोबाइल में दो ऐप ही बेस्ट हैं। फर्स्ट है रफ एनिमेटर और दूसरा है फ्लिपाक्लिप। इनमें से एक ऐप तो फ्री है और दूसरा पेड ऐप है। तो पहले हम फ्री ऐप की बात करते हैं, जो है फ्लिपाक्लिप। क्या इस ऐप में हम आरजी जैसा एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं? तो मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ, हम इस ऐप में एनिमेशन तो कर सकते हैं पर उस लेवल तक का नहीं कर सकते। अगर तुमने उस लेवल का एनिमेशन करना ही है तो तुम्हारे पास कोई अच्छा सा पीसी या फिर लैपटॉप होना ही चाहिए, तो तुम उस लेवल का एनिमेशन कर सकते हो। और हम बात करते हैं दूसरे ऐप के बारे में, जो पेड ऐप है, रफ एनिमेटर।
इस ऐप को पर्सनली मैं यूज करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये ऐप तुम्हें प्ले स्टोर पर 500 रुपए में मिल जाएगा। मैं सच बताऊं तो ये ऐप फ्लिपकार्ट से काफी अच्छा है। इस ऐप को यूज करना भी बहुत इजी है। अगर तुम इस ऐप को परचेज कर सकते हो तो ही करना, और अगर परचेज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम फ्लिपकार्ट से भी थोड़ा बहुत अच्छा एनिमेशन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मेरे चैनल पर पहली ऐसी वीडियो है। अगर तुमने इस वीडियो से कोई नई चीज सीखी है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में मुझे बताना कि मुझे ऐसी वीडियो और अपलोड करनी चाहिए ट्यूटोरियल वाली, और बता जरूर देना। चलो तब तक नए वीडियो मिलेंगे। बाय।